अब खबर जयपुर से है। भाजपा विधायक दल की बैठक भाजपा मुख्यालय में कुछ देर में शुरू होगी। ये बैठक राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, अविनाश गहलोत पहुंचे हैं। अन्य विधायकों का पहुंचना जारी है। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का दिया जाएगा प्रशिक्षण। एक एक जो वोट होगा विधायकों की ओर से वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एक बड़ा प्रतिनिधित्व ये तमाम विधायक करेंगे। इसी वजह से इन सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि सभी लोग सही तरीके से वोट कास्ट करें। तो जयपुर से एक खबर है, भाजपा विधायक दल की बैठक से जुड़ी ये खबर। तो निश्चित रूप से राजस्थान की पहचान भी बनेगी और राजस्थान को इसका लाभ भी मिलेगा। एक विधायक की गाड़ी चोरी हो गई और अधिकारी, पुलिस अधिकारी फोन तक नहीं उठाते, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है राजस्थान में, क्या स्थिति? क्या है कि राजस्थान का, मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ कि कोई जिम्मेदार अपने आप को मानता ही नहीं, मतलब सारा काम पुलिस के भरोसे छोड़ दिया। सरकार में जो गृहमंत्री हैं उनको फुर्सत नहीं, जो स्टेट गृहमंत्री बनाया वो डेली मॉनिटरिंग करते नहीं, ये विभाग मॉनिटरिंग से चलता है। और इस कारण से एक के बाद जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उसने केवल हमारे मन में असंतोष और गुस्सा नहीं पैदा किया, संपूर्ण देश के लोग जो इसको पढ़ते हैं उनके मन में भी इस सरकार की कानून व्यवस्था पर भारी निराशा और एक तरह से उनके मन में दुख है कि इतना पुराना व्यक्ति, इतने सालों तक राजनीति में सक्रिय रहा व्यक्ति, जो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो लॉ एंड ऑर्डर होती है, उसमें भी राजस्थान घटिया से घटिया सबूत दे रहा है, वो सबके लिए दुखद है। उसका कारण ये है कि ये तो अच्छा हुआ कि वो MLA का ले गया, किसी पुलिस अधिकारी के भी ले जाए तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं। एक प्रधानमंत्री पर लगातार आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी NDA और प्रधानमंत्री जी के काम करने का ये एक समर्पित तरीका है कि किस तरीके से देश के वो तबके जिनको विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की मुख्य धारा में उनको सम्मान के साथ नवाजा जाए और उनकी सेवाओं को इस देश के लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए, मजबूती के लिए काम किया जाए। द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन भी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि उनका राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से पूरे देश भर के जनजाति समाज में एक आत्मविश्वास का वातावरण बना है, उसी तर्ज पर श्रीमान जगदीप धनखड़ जी जो बड़े विधिवेता रहे हैं और संवैधानिक तौर पर उनको जो गहन जानकारी है उच्च सदन के लिए, वो इस योग्यता के लिए खरे और प्रमाणित व्यक्ति हैं। कल देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव है। महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल आज मिल रहा है। यह चुनाव राजनीतिक विचारधारा से ऊपर का चुनाव है। हमारी जो संख्या है भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की, उससे इतर बहुत से लोग इस देश के अंदर पहली आदिवासी महिला को सर्वोच्च संसदीय पद पर पहुँचाने के लिए अपना अमूल्य वोट देंगे। हम लोग आज जहाँ समसामयिक चर्चा भी करेंगे, वहीं मतदान की प्रक्रिया से हमारे विधायकों को रूबरू करवाएंगे। कल सुबह 9 बजे नापक्ष की लॉबी में हम रहेंगे। मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्ति हमने कर दी है। तो बड़ी और अहम खबर भाजपा विधायक दल की बैठक से जुड़ी एक खबर है। आपको बता दें कि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर के प्रशिक्षण इन विधायकों को दिया जा रहा है। तो ऐसे में एक और तो NDA अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू वो कैंडिडेट जिसको लेकर के कई पार्टियों ने खुशी जाहिर की, तो वहीं BJP की ओर से एक बड़ा दाव यहाँ पर चला गया है। तो ऐसे में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये खबर हो जाती है। और साथ ही द्रौपदी मुर्मू वो नाम जिनको लेकर के अगर हम देखें तो संख्या बल के लिहाज से लगभग लगभग उनकी जीत तय है, मात्र औपचारिकता अब रह गई है। क्योंकि लगातार इस तरीके के दावे भी BJP की ओर से किए जा रहे हैं कि उनकी जीत ऐतिहासिक रहेगी, बियॉन्ड द लाइन जाकर लोग उनको वोट करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो वोट्स के रिकॉर्ड हैं वो भी टूटेंगे, इस तरीके के तमाम दावे किए जा रहे हैं। पर अब देखना यही महत्वपूर्ण कि कल जब वोटिंग होगी तो किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। हालांकि वो अगर राष्ट्रपति बनती है तो ऐसे में देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति वो होंगी।
और यही वजह है कि आदिवासी समुदाय तक एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश उनके नाम के माध्यम से बीजेपी देना चाहती है और कहा यह भी जा रहा है कि उनके नाम के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में और आगामी चुनाव में बीजेपी को फायदा कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मिलेगा। तमाम समीकरण बीजेपी की ओर से साधे गए हैं। तो आपको बता दें यही वजह है कि तमाम बैठकों का दौर भी जारी है और इन बैठकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे विधायक दल की बैठक को लेकर के। देखिए, विधायक दल की बैठक को लेकर हम जानकारी आपको पूरी देंगे, लेकिन उससे पहले एक टोल कर्मी ने विधायक के साथ बदतमीजी की, उसको लेकर संजय शर्मा रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शहर से तो उन्होंने मुझसे आई कार्ड मांगा। आई कार्ड देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये 15वीं विधानसभा का है, जबकि वर्तमान में 17वीं विधानसभा चल रही है। तो मुझे उनकी बात को सुनकर हंसी भी आई। तो मैंने कहा भैया, 15वीं विधानसभा चल रही है और ये तस्दीक तो या तो माननीय अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं या माननीय सचिव महोदय कर सकते हैं, लेकिन मैं अलवर शहर से विधायक हूँ और ये मेरा आई कार्ड है, 15वीं विधानसभा चल रही है। उसके बाद मैंने जब वो नहीं माने तो मैंने कहा आप अपनी कंप्लेंट बुक दो। कंप्लेंट बुक देने से मना किया तो मैंने कहा मैनेजर को बुलाओ। तो उन्होंने कहा आपकी औकात है कि मैनेजर यहाँ है, आप जाके ऊपर मिलो उससे। उसके बाद दोनों तरफ से गालियों की बौछार हो गई और लगभग मैं 10 मिनट तक अपनी गाड़ी में, मैं और मेरा ड्राइवर दोनों गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। उस दौरान मैंने प्रयास किया 100 नंबर पर डायल करने का, लेकिन वो लगा नहीं। बीच में लगा तो बात करते करते वो फोन कट गया। उसके बाद उन्होंने कोई एक व्यक्ति, हौसले बुलंद कैसे हो सकते हैं टोल कर्मियों पे, वो भी मनोहरपुर टोल पर। देखिए, मनोहरपुर से दौसा की तरफ का टोल है और मेरा ये मानना है कि जो टोल पे कर्मी होते हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है। जो मैंने माननीय डीजी साहब को फोन पे भी आग्रह किया कि इनकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाए, और जब मैनेजर ने आके बताया कि वो जो बदतमीजी कर रहा था वो उनका टोल कर्मचारी नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक बेचने वाला व्यक्ति है, तो मैंने कहा ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर टोल पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब टोल के माध्यम से रैकी भी हो रही है, अपराधियों का संरक्षण भी वहाँ हो रहा है, और जाने वाला कौन बिल्कुल व्यक्ति ऐश्वर्य है। देखिए, तमाम बातें विधायक की ओर से रखी जा रही है, उनकी नाराजगी भी वो जाहिर कर रहे हैं, पर ऐसे में अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या एक्शन इस पूरे मसले को लेकर के लिया जाता है। पर सबसे पहले अपडेट अब आपसे इस वक्त यही चाहेंगे कि भाजपा विधायक दल की बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन से विधायक, कौन कौन से बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं वहां पर। जिस प्रकार की गाली भाजपा विधायक दल की बैठक में ये एक बड़ा मुद्दा उठने वाला है, जिसे लेकर संजय शर्मा अपनी बात कहेंगे और बीजेपी के नेताओं से कहेंगे। इसे लेकर बीजेपी का वक्तव्य आ चुका है कि टोल कर्मियों ने विधायक संजय शर्मा के साथ बदतमीजी की। रामलाल शर्मा ने भाजपा की ओर से वक्तव्य दिया है। सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ को भी वो तमाम बातें बताएंगे। लेकिन आज की विधायक दल की बैठक है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज राजस्थान से ही आने वाले उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं जगदीप धनखड़, जिन्हें लेकर यहाँ पर धन्यवाद दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी सरकार का, और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भाजपा आलाकमान को धन्यवाद दिया जाएगा। अभी यहाँ पर जो जो लोग पहुँचे उनमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया है, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग है, और उनके अलावा तमाम वरिष्ठ विधायक भी हैं। कैलाश मेघवाल भी यहाँ पर आए हैं, सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, सबसे बुजुर्ग नेता हैं। और आज की ये बैठक है, इसमें राष्ट्रपति चुनाव का एक प्रशिक्षण होगा, दिन भर ये प्रशिक्षण चलेगा कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में किस तरीके की एहतियात बरतें और कहीं कोई चूक ना हो, प्रक्रिया जो है वो पूर्ण रूप से सही रूप से अपनाई जाए। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में भी एक प्रशिक्षण दिया जाता है, हालांकि वहाँ पर बाड़ेबंदी होती है और वो जो प्रशिक्षण होता है वो सभी को पता है, वो लंबा प्रशिक्षण चलता है, लेकिन यहाँ पर महज एक दिन का प्रशिक्षण होगा और कल तक तमाम विधायक यहाँ रुके रहेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के बाद तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्रों में निकल जाएंगे। उसके अलावा मैं एक और जानकारी दूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज विधायक दल की बैठक से पूर्व हमसे जब बातचीत की तो उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना था कि जब थानेदार की गाड़ी के टायर चोरी हो जाएं तो विधायक की गाड़ी का चोरी। भाजपा विधायक दल की बैठक वैसे तो प्रशिक्षण के लिए बुलाई गई है, पर इस दौरान कई और अहम मुद्दे भी हैं जिनकी गूंज सुनाई दे रही है। ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपके साथ फिर जुड़ेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। फिलहाल